सलमान खान एक ऐसा सितारा है जिनके चाहने वाले उनके जुगनू हैं। जितनी ज्यादा जुगनुओं की रोशनी उतना चमकता सितारा। अब भला सितारे से उसके जुगनू या जुगनुओं से उसके सितारे को कैसे दूर किया जा सकता है? लेकिन बॉलीवुड के दबंग हीरो और भाईजान को जिस तरह पिछले 6 सालों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, हमलावर उनके घर की बालकनी के पर्दे तक में गोलियों से सुराख कर रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में सितारे और जुगनू के बीच दूरी बना दी जाए तो कोई हैरानी नहीं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार को फायरिंग हुई है। संडे की सुबह सुबह मुंबई के नामचीन पते में से एक गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ वो ये सवाल खड़े करती है कि पिछले 14 सालों से जेल में बंद एक गैंगस्टर आखिर जेल या अलग अलग जेलों के अंदर से ही ये सब कुछ कैसे कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि इस केस में अब तक कब क्या हुआ है और सिलसिलेवार आपको इस घटना की पूरी जानकारी तफसील से देते हैं। साथ ही जानेंगे अब तक सलमान को जान से मारने के लिए कितनी बार धमकियां मिल चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माया नगरी मुंबई के बांद्रा इलाके को मुंबई कर बांद्रा भी कहते हैं। इस इलाके में कई सितारों के घर हैं, लेकिन दो जो सबसे बड़े सितारे यहाँ रहते हैं उनमें से एक सलमान खान है। इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में पूरा खान परिवार बरसों से रहता आया है। इस गैलेक्सी अपार्टमेंट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर शाहरुख खान की मन्नत है। सलमान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट की यही वो बालकनी या झरोखा है जहां से वो अक्सर अपने चाहने वालों को दीदार कराते हैं। इस बालकनी को इसे एक पर्दे से ढंक कर रखा जाता है। इसके बावजूद एक बाइक पर सवार होकर आए दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और फरार हो गए। जब गोलीबारी हो रही थी तब सलमान खान अपने घर के अंदर ही थे। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट कर सलमान खान के घर हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा है कि जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ, हमारी ताकत को और मत परखो। दोस्तों, चूंकि इस बार गोली गैलेक्सी के अंदर तक पहुंच चुकी है, लिहाजा मुंबई पुलिस भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस की कई टीमें एक साथ इस केस पर लगी है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम जल्द ही अहमदाबाद जेल पहुंचकर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ कर सकती है। एक टीम जयपुर पहुंची है जो रोहिता गोदारा के खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि उसी ने इस वारदात के लिए शूटर उपलब्ध कराए हैं। मुंबई पुलिस के गिरफ्त में फिलहाल 2 अपराधी हैं। उनसे पूछताछ के बाद सही तस्वीर सामने आएगी। ये वारदात पहली नहीं है दोस्तों। सलमान खान को पहली धमकी साल 2018 में मिली थी। यही वो साल था जब सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। दूसरी धमकी साल 2019 को मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा ने कायदे से पहली बार सलमान को मारने की कोशिश की थी। तब वो बाकायदा मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन तब उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम थी, इसीलिए उसने हमले का प्लान टाल दिया और दूर तक मार करने वाले हथियार की तलाश में हरियाणा पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि उसे हथियार मिलता वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तीसरी धमकी जून 2022 जॉगिंग पार्क बांद्रा लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच जाने के बाद इस बार हमलावर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर उस जॉगिंग पार्क तक पहुंच चुके थे जहां सलमान के पिता सलीम खान रोजाना मॉर्निंग वॉक किया करते थे। मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क के जिस बेंच पर सलीम खान बैठा करते थे उसी बेंच पर हमलावर धमकी भरी एक चिट्ठी छोड़ गए थे। इस चिट्ठी में लिखा था कि सलमान और उसके पिता सलीम खान का ठीक वही अंजाम होगा जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हुआ। यह खत सिद्धू मूसेवाला की मौत के ठीक 1 महीने बाद मिला था। चौथी धमकी मार्च 2023 धमकी भरा ईमेल, सलमान की मैनेजर को एक ईमेल मिला था। ये मेल लॉरेंस और गोल्डी बरार के खास गुर्गे मोहित गर्ग की ईमेल आईडी से आया था। इस मेल में सलमान को चेतावनी दी गई थी कि वो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से फेस टू फेस बात कर ले, वरना लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म के मुताबिक उसे मार दिया जाएगा। मेल में लिखा था कि यह धमकी आखिरी धमकी है, इसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मुंबई पुलिस ने इस ईमेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और मोहित गर्ग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी।
नवंबर 2023 फेसबुक के जरिए सलमान खान को पांचवीं धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से। ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई थी, लेकिन इसी धमकी में सलमान का नाम भी लिखा था। इस बार भी धमकी जान से मारने की थी। तो पिछले 6 सालों में 4 धमकी और संडे की वारदात को मिला दें तो 2 बार हमलावर गैलेक्सी तक पहुंच गए। लेकिन इन सभी मामलों में एक संपत्ति नेहरा को छोड़ दें तो अब तक इस मामले में कोई खास जांच नहीं हुई। हालांकि दिक्कत पुलिस के सामने भी है। दिक्कत ये कि इस धमकी और हमले का जो मास्टरमाइंड है यानी लॉरेंस बिश्नोई, वो 2014 से ही जेल में बंद है। फिलहाल वो अहमदाबाद की जेल में है। लॉरेंस के बाद उसके गैंग का दूसरा सबसे बड़ा बॉस यानी गोल्डी बराट पिछले 6 सालों से कनाडा में बैठा है। अब आप ही बताइए, जो पहले से ही पकड़ा हुआ है और जिसे पकड़कर जेल में रखा हुआ है यानी लॉरेंस बिश्नोई, उसका पुलिस क्या करेगी? और जो देश में ही नहीं है, उसे दूर देश से अपने देश कैसे लाएगी? रही सलमान को धमकी देने या गैलेक्सी तक पहुंचने वाले गुर्गों की, तो वो महीने के हिसाब से बदलते रहते हैं। लिहाजा ऐसे गैंग और गुर्गों से सलमान को बचाने के लिए वक्त वक्त पर उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। यहां तक कि पिछले साल सलमान को पिस्टल रखने के लिए मुंबई पुलिस ने लाइसेंस भी दे दिया। खुद की हिफाजत के लिए पिछले ही साल सलमान खान ने बाकायदा दुबई से इंपोर्ट कर बुलेट प्रूफ SUV निसान गाड़ी भी मंगा ली। सलमान के अपने सुरक्षा गार्ड के अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान को X कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इससे पहले 2022 तक सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। Y+ सुरक्षा घेरे के तहत 6 पुलिस वाले हर वक्त सलमान के साथ रहते हैं। अगर सलमान को कहीं आना जाना होता है तो फिर पुलिस वालों की तादाद बढ़ जाती है। बाहर के अलावा सलमान को गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी उनके घर में भी सुरक्षा दी जाती है। अब सवाल यह है कि अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान X कैटेगरी की सुरक्षा में रह रहे हैं, तो फिर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर 2 मोटरसाइकिल सवार इतनी आसानी से 5 राउंड गोलियां चलाकर वहां से कैसे निकल भागे? दोस्तों, सलमान खान देश के बड़े सुपरस्टार में से एक है। एक्टर को धमकी मिलना ये बताता है कि गिरोह कितना बेखौफ है। वो सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा रहा है। सलमान खान के घर के बाहर हुई घटना साधारण नहीं है। लेकिन दोस्तों, सलमान और उन्हें मिलने वाली धमकियों का अंत नहीं हो रहा है। साल 1988 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इसी साल एक्टर का नाम काले हिरण शिकार मामले में आया था। तब से बिश्नोई समाज के बीच सलमान का विरोध जारी है। लॉरेंस के मुताबिक उनके समाज में जानवरों को, खास तौर पर हिरण को, भगवान समान मानते हैं। ऐसे में जब सलमान का नाम काले हिरण शिकार मामले में आया तो गैंगस्टर ने सलमान को खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। उस दिन से सलमान उनकी रडार पर हैं। इन सभी धमकियों को मद्देनजर रखते हुए ही सलमान को टाइट सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।